हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे, और मैं हूँ ऋषभ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन शुरू किया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ आप उसे ज़रूर समझे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन कम्प्लीट करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में जिस तरह से आपको फार्मूला जितने बताएं, मैंने उसका सिर्फ यूनिट ही नहीं, वो फार्मूला कैसे आया, उसका डिफिनीशन और उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया। तो यकीनन आपने उस वीडियो को पूरा देखा है, तभी आप इस वीडियो को समझ पाओगे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया है कि डायमेंशन से ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा चांसेस हैं डायमेंशन से ही आएंगे। ये क्वेश्चन तो फिक्स्ड है, लेकिन चांस ज़्यादा है कि वो डायमेंशन से ही आए। डायमेंशन समझने के लिए आपको पिछला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। इट इज़ ए फिजिकल एक्सप्रेशन विच शो विच एंड हाउ फंडामेंटल क्वान्टिटी आर यूज टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वान्टिटी। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिजिकल क्वान्टिटी क्या होते हैं, दे आर लॉट ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज विच इज़ यूज टू डिराइव लॉ एंड नेचर ऑफ फिजिक्स। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में यही बताया था कि देर आर सेवन टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वान्टिटीज मैंने बताया था, और मैंने उसका एक ट्रिक भी बताया था याद रखने का। तो यही बोला है, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। बस छोटा सा डिफिनीशन, जैसे आपके पास एग्जांपल दिया गया है वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले बता दूँ आपको कि कहीं भी हम फिजिकल क्वान्टिटी अब आगे लिखेंगे, आगे आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर हम, तो वहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि सारे चीज़ें फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में ही लिखनी होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दे आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के ही टर्म में रखनी होंगी, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी सेवन होती हैं। तो मैं आपको यहाँ भी और क्लियर कर दूँ कि क्वेश्चन अगर आएंगे आपके एग्जाम में तो वह सात से नहीं, तीन से ही आएंगे। क्वेश्चन अगर आते हैं तो तीन से ही आएंगे, और वह तीन कौन है आप उसे जान लीजिए। वह तीन है एम एल टी। आप इसे याद रखें, क्वेश्चन आएंगे तो एम एल और टी के ही टर्म में आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पूछी जाएगी। तो जैसे एग्जांपल है वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू हम जानते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होना चाहिए। हम जानते हैं कि कहीं भी लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर, यूनिट में, लेकिन डायमेंशन में हम लेंथ के लिए यूज करेंगे एल। याद रखिए, डायमेंशन में हम लेंथ के लिए यूज करेंगे एल, या लेंथ किलोमीटर में हो सकता है, फेमटोमीटर में हो सकता है, पिकोमीटर में हो सकता है, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का भी लेंथ हम डायमेंशन एल ही लिखेंगे। उसके बाद मास का एम लिखेंगे, या मास किसमें भी हो सकता है, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, किसी में हो सकता है। उसके बाद हम टाइम के लिए टी लिखेंगे, या टाइम आवर में, सेकेंड में, मिनट में, कुछ भी हो सकता है। याद रखिए फ्रेंड्स, लेंथ के लिए, मैंने लेंथ वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि लेंथ कितना भी हो सकता है, लेंथ के लिए हम एल यूज करेंगे, मास के लिए हम एम यूज करेंगे, और टाइम के लिए टी। और ज़्यादातर हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एम एल और टी के ही टर्म में फिजिकल क्वांटिटी लिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, तो यहाँ देख ले क्या आएगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा गया, वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मैंने क्या लिखा एल, और टाइम के लिए मैंने क्या लिखा टी। ये क्या बन गया, LT-1 आंसर हो गया। देखिए इसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूलाज। तो यही मैंने आपसे बता रहा था कि क्वेश्चन अगर आएंगे तो डायमेंशनल फार्मूलाज आएंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, वर्क, फोर्स, जैसा यहाँ पे लिखा गया है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। और इसे लिखना कैसे है, अभी तक आपने इस डायमेंशनल फार्मूलाज को आपने रट रखा होगा, किसी तरह याद रखा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बिना याद किए भी सही सही आप सेकेंडों में निकाल सकते हो डायमेंशनल फार्मूला। सिर्फ आपको मैंने बेसिक बात क्या बताई है, कहीं भी लेंथ के लिए एल रखेंगे हम, कहीं भी लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, और टाइम के लिए टी। बस इतना ही अभी याद रखना है आप सभी को, और इसी से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहला है हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं फिर से सारी जो यहाँ पे मैंने क्वांटिटीज़ बताई हैं, मैं उन सभी का फिर से थ्योरेटिकल बात या उनके कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सारे बता रखे हैं, जैसे कि पावर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, सारी चीज़ मैं बता रखी है। तो सीधे आज हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पहला एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वन टाइम। वेलोसिटी का हमने क्या लिखेंगे, एल टी,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का मैंने जैसा कि एग्जांपल आपको कराया क्या होगा एल टी माइनस वन, और टाइम का यहाँ टी लिखेंगे क्या बन गया फॉर्मूला एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू। उसके बाद फोर्स है, फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का मैंने क्या लिखा एम, एक्सेलरेशन मैंने अभी लिख रखा है, क्या आया था एक्सेलरेशन का एम टी माइनस टू, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू है तो फोर्स क्या हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वर्क, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने फोर्स का क्या लिखा है, अभी मैंने फोर्स का लिखा एम एल टी माइनस टू, और इसी में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन गया फॉर्मूला हमारे पास, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू, सिंपल है। उसके बाद इनर्जी का भी वही होता है, इनर्जी इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू। अब देखिए दोस्तों, कहीं भी काइनेटिक एनर्जी आए, पोटेंशियल एनर्जी आए, ग्रेविटेशनल एनर्जी आए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आए, कहीं भी एनर्जी वर्ड हो तो उसका एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम एल टू टी माइनस टू। उसके बाद है पावर, पावर का मैं बताया था रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, और वर्क का मैंने बता दिया है अभी एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टाइम, फॉर्मूला क्या हो गया पावर इक्वल टू एम एल टू टी माइनस थ्री, एम एल टू टी माइनस थ्री इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। उसके बाद है प्रेशर, प्रेशर का मैंने बताया था प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का मैंने बताया है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या होगा एल स्क्वायर, एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से प्रेशर क्या आया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। उसके बाद है टॉर्क, टॉर्क मैंने बताया था टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का मैंने बताया है भी एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का क्या होता है एल, तो टॉर्क इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू, काफ़ी सिंपल है। मैंने सीक्वेंस से फ्रेंड बताया है, एक्सेलरेशन शुरू हुआ, उसके बाद एक्सेलरेशन से कैसे फोर्स निकाला, फोर्स से कैसे वर्क निकाला, इनर्जी पावर प्रेशर टॉर्क। इस तरह से कुछ और देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, इसे समझने के लिए आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। इतना याद रखिए कि विस्कोसिटी का मतलब होता है रेसिस्टिव फोर्स, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस वन, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इज एम एल माइनस वन टी माइनस वन, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी फार्मूला। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी डायमेंशनल फार्मूलाज लिखे उसमें एम एल और टी के ही टर्म में लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं, देखिए दोस्तों एक बात और, कहीं कहीं आपको बुक में देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी एक्सेलरेशन का लिखा था, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखा था मैं एल टी माइनस टू। अब देखिए यहाँ पे क्या मास अब्सेंट है, तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में देखने को मिलता है कि एम पावर जीरो, एम पावर जीरो रहेगा, कहीं कहीं देखने को मिलेगा। इस ऐसा इसलिए है क्योंकि एम एल और टी जो है वो चीफ एलिमेंट है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है चीफ एलिमेंट है, इसलिए हम इसे यूज हर जगह करते हैं। अगर कहीं पे टी अब्सेंट हो जाए, एम एल के टर्म में ही हमारा आ रहा है, या कहीं पे एल अब्सेंट हो जाए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो चीज़ अब्सेंट है उसके पावर जीरो लिख सकते हैं, या नहीं लिखें फिर भी कोई बात नहीं, हो सकता है एग्ज़ाम में किसी भी फॉर्म में दे सकता है। मोमेंटम का देखते हैं, नाइन्थ नंबर हमारा पॉइंट है मोमेंटम, मोमेंटम हम जानते हैं पी इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का हम क्या लिखा हमने एम, और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, मोमेंटम का आ चुका है, मैंने बताया था मोमेंटम क्या होता है पिछले वीडियो में। उसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का पहले फार्मूला जान लीजिए होता क्या है, आई सी से डिनोट करते हैं, और ये होता है एम आर स्क्वायर। इसे आप रोटेशनल मोशन में डीपली आप पढ़ पाओगे, रोटेशनल मोशन एक चैप्टर है क्लास इलेवेंथ में, तो एम आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एम यहाँ पे मास है तो मास की जगह पे हम एम लिखेंगे, आर यहाँ पे डिस्टेंस है और उसका स्क्वायर है, तो एम एल स्क्वायर इज द आंसर।
अब देखिए कहीं कहीं बुक में क्या दिया रहेगा, टी तो अब्सेंट हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी पावर जीरो, ऐसे भी ए भी और ए भी दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ देखने को मिलेगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखने को मिलेगा। मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मॉडर्न फिजिक्स में चार पांच चैप्टर आते हैं, क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यह पोर्शन जो है सो क्लास 11th में भी देखने को मिल जाती है। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ भी देखने को मिल जाती है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी इक्वल टू फोटोन के केस में एच इंटू म्यू, ये एक एनर्जी की फोटोन होती है। ई इक्वल टू एच इंटू म्यू, यह एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। तो यहाँ से क्या आया, ई इक्वल टू एच इंटू म्यू में हम एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू इक्वल टू एच इंटू म्यू। म्यू क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इसे क्या करेंगे हम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। एच इक्वल टू क्या आया, ई बाई म्यू। एच इक्वल टू यानी कि प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाई एच। एच इक्वल टू क्या आया, एनर्जी अपॉन म्यू यानी एम एल टू टी माइनस टू अपॉन म्यू। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है वन बाई टी। फार्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, वन बाई टी, और वन बाई टी को हम टी इन्वर्स लिख सकते हैं। तो एच इक्वल टू हमारे पास एच का डायमेंशन फार्मूला क्या आया, एच का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया, एम एल टू टी माइनस थ्री। उसके बाद एरिया है। एरिया को मैं आपसे बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक होता है जी। आपने ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है आपको कमेंट करके बतलाना है। मैं फार्मूला बता देता हूँ, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एफ का मैंने बता चुका है क्या डायमेंशनल फार्मूला होता है, एम का आपको पता है मास होता है, अपॉन आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर यहाँ पर लेंथ है। मैं फिर से लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ग्रेविटेशन में फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से आपको जी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। आपको एफ का मैंने बता रखा है, एम पता है आप लोगों को, और आर यहाँ पर डिस्टेंस है, तो इसकी जगह पे आप लोग एल रखेंगे, क्योंकि मैंने डिस्टेंस के लिए एल बताया है, मास के लिए एम और टाइम के लिए टी। तो आपको कमेंट करके बतलाना है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। देखिए उसके बाद एरिया है। एरिया काफ़ी सिंपल है, आपको पता होगा एरिया का होगा एल स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, सिंपल है सब, एल क्यूब। उसके बाद है करंट, वॉल्यूम के बाद है करंट। यहाँ पे आप समझने वाली बात है, हमने फार्मूला पढ़ा है क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। क्यू इक्वल टू आई इंटू टी पढ़ा है, तो यहाँ से आई क्या है, करंट है, टी टाइम है। अगर आप निकालना चाहो आई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से क्यू अपॉन टी आएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोचा हो गया कि यहाँ पे आप क्यू की जगह पे आप सी लिखेंगे या कुछ भी लिखो क्यू की जगह पे, और टाइम की जगह पे टी, तो चार्ज जो है सो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। और आपको मैंने बताया था कि देयर आर सेवन टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो वहाँ पे करंट भी था, करंट इज टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे क्या हो गया, करंट की जगह पे करंट का निकालने की, तो यहाँ पे करंट का निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। उसके बाद चार्ज, चार्ज निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी से आप चार्ज निकाल सकते हैं इजीली। करंट नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको बोले कि मास का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इट इज़ ए फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज का आप लिख सकते हो क्योंकि चार्ज इक्वल टू, मैंने अभी बताया आपको, क्यू इक्वल टू आई टी। उसके बाद है सिक्स नंबर है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को मैंने पिछले वीडियो में डीपली समझाया था होता क्या, इसका फार्मूला भी मैं बताया था, और मैंने आपको, अगर आपको ये फार्मूला याद आ रहा है सरफेस टेंशन का, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसका मतलब है कि आपने जो वीडियो देखा आप उसे समझ गए, यानी कि आपका आने वाला दिन एग्जाम में काफ़ी अच्छा होने वाला है। सरफेस टेंशन का मैंने फार्मूला क्या बताया था, सरफेस टेंशन इक्वल टू एफ अपॉन एल। मैंने दो फार्मूला वहाँ बताया था, एफ अपॉन एल और वर्क अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन लेंथ या वर्क अपॉन एरिया। चलिए फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का मैंने क्या बताया है, डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू, और लेंथ का मैंने क्या बताया, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, और लेंथ का एल होगा, एल से एल कैंसिल आउट हुआ, एम टी माइनस टू। एम टी माइनस टू इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन।
तो देखिए सरफेस टेंशन का मैंने क्या लिखा, एम टी माइनस टू, तो बहुत सारे बुक में दिया रहेगा एम एल जीरो टी माइनस टू। इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि एम एल जीरो टी माइनस टू या एम टी माइनस टू, दोनों एक ही बात है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूलाज हैं फिजिक्स में जिसे आपको याद होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर, मैंने 16 बताए हैं अभी तक ना, 16 अगर आप याद कर लेते हो, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कैसे बताया, मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप निकाल सकते हो, अगर आप 16 कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक नंबर तो फिक्स हो गया एग्ज़ाम में और आपको किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था, शायद आपको याद होगा कि हम यूनिट एंड डायमेंशन हमेशा पहले चैप्टर में ही क्यों पढ़ते हैं, और मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर आपको खुद ढूंढ के लाना है। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ कि यूनिट एंड डायमेंशन हम क्यों पढ़ते हैं। यूनिट डायमेंशन पढ़कर हम किसी भी क्वांटिटी का हम करेक्ट डायमेंशनल फार्मूलाज निकाल सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन को ऐसा देखा गया है एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम में और एनडीए के एग्ज़ाम में भी, कि कई बार क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए रहते हैं वो डायमेंशनल ही गलत रहते हैं, तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया है एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, मैं लिख देना चाहता हूँ कि एयरफोर्स 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एच, एक बॉल है जो हाइट एच से ड्रॉप किया जा रहा है, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड वी एंड इट राइजेज द हाइट हाइट एच बाई टू देन फाइंड वी। इसका मतलब है एक बॉल को हाइट एच से गिराया जा रहा है और ज़मीन पर कोलाइड करने के बाद फिर एच बाई टू हाइट राइज कर रहा है, यानी ऊपर उठ रहा है, तो पूछ रहा है कि, और ये भी दिया गया है कि जब वो ग्राउंड से कोलाइड कर रहा है तो उस समय उसकी स्पीड भी है, तो भी क्या होगा। देखिए इसे सॉल्व करना काफ़ी सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको समय लगेगा, लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, भी वेलोसिटी पूछ रहा है, और वेलोसिटी का हम डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं क्या होता है, एल टी माइनस वन, इतना तो आप जान चुके हो। तो एल टी माइनस वन हम पहले डायमेंशनल फार्मूला चेक कर लेंगे किसका है। पहले ऑप्शन से अगर आए हम तो क्या दिया गया है, जी इंटू एच, जी यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होता है एल टी माइनस टू, और एच दिया गया है, एच लेंथ होता है एल, तो हमारे पास क्या आया पहला ऑप्शन एल टू टी माइनस टू। ये तो वेलोसिटी का नहीं दिया गया है, ये तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का तो एल टी माइनस वन होता है, यहाँ पे क्या है एल टू टी माइनस टू, ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो रूट जी एच, रूट जी एच, जी यहाँ पे एक्सेलरेशन है एल टी माइनस टू इंटू एल, यहाँ देखिए क्या है एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस वन स्क्वायर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, सेकेंड ऑप्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं एल टी माइनस वन होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, रूट कैंसिल आउट होकर क्या निकलेगा बाहर एल टी माइनस वन, ये क्या वेलोसिटी का डायमेंशन है, यह क्या वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है, हाँ बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप सी और डी पर भी चेक करके देख सकते हो, आप चेक करने के बाद क्या आएगा कि एल टी माइनस वन सिर्फ बी ऑप्शन से ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सी डी और ए ऑप्शन दिया गया रॉन्ग है, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और इस तरह से हमने जाना कि डायमेंशनल फार्मूला पढ़कर हम किसी भी क्वांटिटी का सही सही डायमेंशन फार्मूला लगा सकते हैं। अगर कहीं भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए इस तरह के, तो आप सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला ही इसका चेक करना, हो सकता है कि एक दो ऑप्शन इसी तरह एलिमिनेट हो जाए और सोचने को बचेंगे सिर्फ दो। तो इसका आंसर यही है कि हम फिजिक्स में हर बार शुरुआत जो करते हैं क्लास 11th फिजिक्स का, वो डायमेंशनल फार्मूला से ही करते हैं, क्योंकि हमें क्वांटिटी की कम से कम डायमेंशन तो पता हो जाए पहले, इसलिए हमें न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा इसे इजी हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर मैंने पढ़ाया वो काफ़ी अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा है। अगर आपने कुछ सीखा वो अच्छा लगा तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और इसके बाद अगर आपको न्यूमेरिकल और चाहिए, वैसे न्यूमेरिकल की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर पर, आप न्यूमेरिकल करोगे उससे बेहतर है कि कोई और चैप्टर में पढ़ा दूंगा, फिर भी आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बताना, मैं करवा दूंगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि डिफेंस एग्ज़ाम के सारे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो अपने सेप्टेम्बर से पहले हो जाएंगे, यहाँ तक कि डबल ए का एग्ज़ाम तो शायद इसी मंथ में है, अगस्त में ही है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल से जुड़े रहें और अपने करियर को एक सही दिशा प्रदान करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।